हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम समरी करेंगे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, साइंस बुक ग्रेड 9 सीबीएसई से। फूड जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको रहने के लिए बहुत जरूरी है। हम प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जो भी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो फूड की डिमांड है वो काफी बढ़ गई है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें काफी बढ़त हुई। व्हाइट रिवॉल्यूशन की मदद से जो मिल्क है उसकी अवेलेबिलिटी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। सीरियल्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलती है, ऑयल सीड्स हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और जो फ्रूट्स हैं इनकी मदद से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जिनकी जरूरत होती है या ग्रोथ किसी भी फसल को करने के लिए, उगाने के लिए जिन भी क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है उसके आधार पर क्रॉप्स को हम 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स बारिश के मौसम में होती है, जो कि इनका जो टाइम पीरियड है वो जून से अक्टूबर है। अब खरीफ क्रॉप्स में आपके पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम आता है। रबी क्रॉप्स जो है सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, इस वजह से इनके जो टाइम पीरियड है वो नवंबर से अप्रैल तक का होता है। रबी क्रॉप्स में आपके वीट, ग्राम, पीस या लिंसीड आ गई। जैद क्रॉप्स जो है वो मार्च से जून तक की होती हैं, इसमें मस्क मेलन, वाटर मेलन या जो क्यूकरबिटेकेई होती है उसकी वेजिटेबल्स आती है। इंडिया में जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो 4 गुना बढ़ चुका है 1960 से 2000 तक। ये जो इंक्रीज हुआ है फूड प्रोडक्शन में ये बेसिकली हुआ है जो क्रॉप की वैरायटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, क्रॉप के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से और क्रॉप के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की वजह से। जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके क्या एडवांटेजेस हैं? हमारी जो क्रॉप यील्ड है यानी जो पैदावार है वो काफी बढ़ गई है, क्वालिटी जो क्रॉप की है वो काफी बढ़ी है, अच्छी हो गई है, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंट क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो क्रॉप मैच्योर होती है अब उसका टाइम पीरियड काफी कम हो गया है, हर तरीके की अडेप्टेबिलिटी जो है क्रॉप्स की होने लगी है, ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें भी वाइड एरिया हो गया है अडेप्टेबिलिटी का, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्रॉप में डाल सकते हैं, इसका भी अब इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जो है बेसिकली सिलेक्शन के प्रोसेस से ही अचीव किया जा सकता है। अब ये जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैदावार है वो ज्यादा हो, बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड करें और क्लाइमेट को टॉलरेट कर पाए। हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब क्रॉस होता है 2 अलग अलग वैरायटीज में, जिसको कि हम इंटर वेरिएशन क्रॉसिंग कहते हैं, या 2 अलग अलग जेनर में यानी कि इंटर जेनेरिक क्रॉसिंग कहते हैं उसे, या 2 अलग अलग स्पीशीज में जिसे इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग कहते हैं, तब हाइब्रिडाइजेशन होता है। फसल की जो पैदावार है इसे हम बढ़ा सकते हैं अगर हम जो हमारी पेड़ है या जो हमारा पौधा है उसमें हम डिजायरेबल जीन्स डाल दें, तो उससे भी जो पैदावार है वो काफी बढ़ जाती है। अब ये जो पैदावार है ये रिलेटेड होती है उन फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि वेदर है, सॉइल फर्टिलिटी है या पानी की अवेलेबिलिटी है। इससे क्या होता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है वो क्या कहते हैं, सरवाइव कर पाते हैं चाहे आपका सूखा पड़े चाहे बाढ़ आए। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन है हम क्रॉप्स का करें जिनको कि हम बोया गया है या जो फसल जो है काटी गई है, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स, इससे भी काफी हद तक क्रॉप प्रोडक्शन में सुधार होता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को जरूरी होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। एयर कार्बन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सॉइल बचे हुए जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट्स को सप्लाई करती है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी चीज की कोई भी कमी हुई तो पेड़ में बीमारी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज्यादा मात्रा में पेड़ को जरूरत होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो
प्लांट्स को बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ गए आपके आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर रिप्लेनिश किए जाते हैं कई अलग अलग मेथड से। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर बेसिकली खाद हुई। खाद को प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरली, कैसे? जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है या जो प्लांट वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन से मैन्योर प्रोड्यूस करी जाती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सैंडिंग सॉइल्स में वो काफी इम्प्रूव हो जाती है और जो क्लेई सॉइल है उसमें वाटर लॉगिंग भी कम होती है। कंपोस्ट को तैयार करते हैं फार्म वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट या डोमेस्टिक और सीवेज वेस्ट होता है उसको पिट्स में डाल के डीकम्पोज किया जाता है और बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग कंपोस्ट को तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो अर्थवर्म्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसमें जो है डिकम्पोजिशन होता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का और इसमें जो है वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। ग्रीन मैन्योर जो है वो पेड़ों को प्रोवाइड कराई जाती है, जो प्लांट्स रिच होते हैं नाइट्रोजन या फॉस्फोरस में उनको सॉइल में जो है प्लॉ किया जाता है बीज बोने से पहले। जो कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसकी वजह से जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, यहाँ तक कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ताकि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। इनको प्रिपेयर किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीम की पत्तियां या टर्मरिक जो है, इन सबको जो है बायो पेस्टिसाइड्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इरिगेशन जो है एक आर्टिफिशियल सप्लाई है वाटर की जो कि सॉइल के लिए करी जाती है अलग अलग मेथड से। इरिगेशन से पेड़ों को पानी मिलता है। अब इरिगेशन को ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों से किया जा सकता है। जो अलग अलग सोर्सेस पानी के हैं वो है रिवर्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, डैम्स, ग्राउंड वाटर। फील्ड्स के जो हैं जिनके पास वाटर सप्लाई डायरेक्ट रिवर से नहीं होती है उनको इरिगेट किया जाता है आइदर कुओं से या फिर ट्यूबवेल्स की मदद से। कैनाल से भी जो है क्रॉप्स को पानी मिलता है जब हम पानी लेते हैं रिजर्वायर से या रिवर्स से। क्रॉपिंग जो हमारा पैटर्न है यानी जो हमारा फसल बोने का तरीका है उसकी वजह से ज्यादा अनाज को एक साल में उगाया जाता है। अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स को जो है मिक्स किया जाता है उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या हुई कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप जो है उसको एक ही पीस ऑफ लैंड पे साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाए, जैसे वीट और ग्राम या ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा फसल को एक ही फील्ड पे जो है उगाया जाता है लेकिन उसमें कुछ रोज जो है एक क्रॉप की होती है, कुछ रोज जो है दूसरे क्रॉप की होती है, जैसे कि सोयाबीन और मेज। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को एक ही साल में एक जमीन के टुकड़े पे उगाया जाता है, जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स के बाद फिर लेग्यूम्स उगा दिए, इसके बाद कोई और उगा दिया, ऐसे करके वो रोटेट करते हैं और फिर दोबारा उसी फसल को बोते हैं। अब आता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो भी जब फसल बोई जाती है तब उस दौरान जो खेतों में वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स है वो उगाते हैं, कीड़े लग जाते हैं या जो बीमारी हो जाती है पेड़ों में, उन सब से क्रॉप को बचाना, यही हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है। वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि जो हमारी फसल बोई हुई होती है फूड स्पेस और लाइट जिसके लिए जरूरत होती है उसके साथ कम्पीट करते हैं, यानी कि अगर अनवांटेड प्लांट्स भी खेतों में उग जाएंगे तो जितनी चीजों की जरूरत एक हमारे फसल को है उतनी जरूरत उनको भी होगी। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप ग्रोथ है रुक जाती है, इसलिए वीड्स का कटना बहुत जरूरी है। अब वीड्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स को स्प्रे करके या उनको मैकेनिकली रिमूव करके, जैसे कि जेंडियम है। वीड्स को जो है कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम टाइमली जो है क्रॉप्स को बोएं, उनकी इंटरक्रॉपिंग करें या क्रॉप रोटेशन करें, इससे जो है वीड्स की ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम रेजिस्टेंट वेराइटीज का या गर्मियों में प्लॉइंग करें तो उससे भी जो वीड्स की ग्रोथ है वो काफी हद तक कंट्रोल होती है और रिड्यूस हो जाती है। पेस्ट या कीड़े जो कि प्लांट्स पर अटैक करते हैं और उनकी जो पैदावार है उसे कम कर देते हैं।
ज्यादातर जो है इंसेक्ट्स होते हैं वही पेस्ट होते हैं जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं। वो ज्यादातर जो स्टेम है या जड़ है उनको काट देते हैं, या वो स्टेम्स और फ्रूट्स में घुस जाते हैं, पत्तियां काट देते हैं, या जो सेल का सैप होता है उसको चूस लेते हैं। तो इन पेस्ट को जो कंट्रोल किया जाता है वो पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। प्लांट्स में जो बीमारी लग जाती है उसे कंट्रोल किया जाता है पैथोजेंस से, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, या वायरस है, इंसेक्ट्स है, इनसे कंट्रोल किया जाता है। ये जो पैथोजेंस है इनको ट्रांसमिट किया जाता है सॉइल, वाटर और एयर के थ्रू। अब जो हर्बिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, फंजीसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स, इनसे पैथोजेंस को कंट्रोल किया जाता है। जो स्टोरेज में फसल रखी जाती है वो भी काफी हद तक लॉस होता है, क्योंकि वहां पे बायोटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, फंजाई हैं, माइट्स हैं या बैक्टीरिया हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि इनएप्रोप्रिएट लेवल हो गया मॉइस्चर का, टेम्परेचर का स्टोरेज एरिया में, उससे भी क्या होता है क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। तो जो हमारी अनाज है उसको बहुत अच्छे से पहले क्लीन करना चाहिए, फिर उसको प्रॉपरली सुखाना चाहिए धूप में, और फिर उसको जो है शेड में जैसे स्टोरेज से पहले रखना चाहिए। फ्यूमिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को जो है केमिकल फ्यूम्स के एक्सपोज किया जाता है, ताकि जो उसमें कीड़े हों, पेस्ट हों, उनसे बचा जा सके या उनको निकाला जा सके। अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वो प्रैक्टिस है जिसको करा जाता है ताकि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं हमारे लाइफ स्टॉक द्वारा उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। अब एनिमल हस्बेंड्री में आता है फीडिंग, ब्रीडिंग या जो डिजीज कंट्रोल करना इन लाइफ स्टॉक एनिमल्स की। एडवांटेजेस क्या होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के? अब क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है फार्म एनिमल्स का, तो इसमें जो है बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एग प्रोडक्शन बढ़ता है, मीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फिश प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या इससे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है। कैटल फार्मिंग क्या होती है? कैटल फार्मिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें हम किस तरीके से कैटल को पालेंगे, सारी फैसिलिटीज के मदद से उसको जो है हम कैटल फार्मिंग कहते हैं। ये जो हमारा लाइफ स्टॉक होता है इसमें आता है कि जैसे गाय है, भैंसे हैं, भेड़ बकरी या जो पिग्स होते हैं, इनको कैसे पालतू जानवरों की तरह पाला जाता है। कैटल फार्मिंग जो है करी जाती है ताकि गाय या भैंस जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है इसको कैसे बढ़ाया जाए। जो दो मेजर स्पीशीज हैं इंडियन कैटल की वो है बोसिंडिकस यानी कि गाय और बोसुन बुबालिस यानी कि बफेलोस। अब आते हैं मिल्क एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स में। यूटिलिटी के आधार पर यानी क्या उनकी यूजफुलनेस है उसके आधार पर कैटल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। एक होते हैं मिल्क एनिमल्स, एक होते हैं ड्रॉट एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स जो हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं यानी ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप में जो मेल्स होते हैं वो यूजफुल नहीं होते हैं फार्म पर काम करने के लिए। ड्रॉट एनिमल्स ज्यादातर एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे टिलिंग, इरिगेशन या कार्टिंग के लिए। जो काउ इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, उनमें जो है बहुत ही जो मिल्क यील्डिंग वैरायटी है वो काफी पुअर होती है। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है कैटल फार्मिंग की कैसे होती हैं? अब इसमें क्या आता है क्लीनिंग, शेल्टरिंग और फीडिंग। जो क्लीनिंग है उसमें क्या होता है पीरियोडिकली आपको साफ करना होता है, वॉश करना होता है, ताकि जो डर्ट है या जो लूज हेयर्स हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाया जा सके जानवरों को। शेल्टर फैसिलिटीज में क्या है जो उनकी रूफ शेड्स होती हैं जहां पर वो लोग जानवर रखे जाते हैं वो काफी हवादार होनी चाहिए, ताकि जो कैटल है उसे रेन, कोल्ड या सन से बचाया जा सके। अब जो कैटल की फीडिंग है यानी क्या खिलाया जाता है उसमें अनकंटेमिनेटेड और बैलेंस डाइट होती है। अब एनिमल फीड जो है वो दो तरीके की होती है, एक रफेज फीड होती है, एक कॉन्सेंट्रेट फीड होती है। रफेज फीड जो होती है उसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और काफी एनर्जी देती है। इसमें जो है चारा आता है, सिलेज आता है या जो वो लेग्यूम्स आते हैं जो फाइबर में काफी अधिक मात्रा में होते हैं। कंसंट्रेट फीड जो है उसमें क्या होते हैं जैसे सीरियल्स हैं, सीड्स हैं, ऑयल सीड केक्स हैं, जो कि रिच प्रोटीन डाइट है उसका मिक्सचर होती है।
इस तरह की जो फीड होती है ये आसानी से पच जाती है और एनिमल का जो बॉडी वेट है वो भी अच्छे से बढ़ता है। जो हमारा कैटल है उसे बीमारी से भी बचाना बहुत जरूरी है। अब ये जो बीमारी होती है कैटल में, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो स्किन पे रहते हैं और उसकी वजह से उनको स्किन डिजीजेस होती हैं। इंटरनल पैरासाइट्स स्टमक पे और इंटेस्टाइनल पार्ट्स पे अटैक करते हैं। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं डिजीज के उठाए गए हैं ताकि एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे जो जानवर मर जाते हैं ये जो एनिमल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। जहाँ वो रखे जाते हैं वो शेल्टर्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। जो वेटनरी फिजिशियन है उनका पीरियोडिक विजिट होना चाहिए ताकि जानवरों की जांच करी जा सके। एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स का एक हाइजीनिक मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो ज्यादातर पैथोजेंस की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई। शेड्स जो हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है ताकि जो फार्म एनिमल्स हैं वो बीमारियों से बचे रहें। वैक्सीनेशन अलग अलग बीमारियों के लिए उन्हें देना बहुत जरूरी होता है। मिल्क प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैं उन्हें मेंटेन करना चाहिए जानवरों के लिए ताकि वहां पर वो जो है यंग वंस को बर्थ दे सके। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड के टाइम ड्यूरेशन पे। लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें काफ का जो है बर्थ होता है और उसके दौरान जो मिल्क प्रोड्यूस होता है एनिमल द्वारा। अगर हम हार्मोनल इंजेक्शंस को इंजेक्ट करें या एडमिनिस्टर करें तो उससे लैक्टेशन पीरियड जो है वो काफी अच्छा हो सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? क्रॉस ब्रीडिंग जो है करी जाती है फॉरेन और लोकल ब्रीड के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में, ताकि जो एनिमल्स की ग्रोथ है उनमें डिजायर्ड क्वालिटीज को डाला जा सके। जैसे फॉरेन ब्रीड हो गई जर्सी काउ, ठीक है, वो लैक्टेशन, उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो काफी लंबा होता है। उसको क्रॉस किया जाता है लोकल ब्रीड से, जैसे रेड सिंधी काउ है जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है डिजीज के लिए। तो जो उसका बछड़ा होगा यानी ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें डिजायर्ड क्वालिटीज होंगी, यानी लंबा लैक्टेशन पीरियड होगा और जो डिजीज है उनसे लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होगी। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के? क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल्स में हम डिजायरेबल उसमें डेवलप कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े तो हम उसमें फायदा उठा सकते हैं, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का फायदा होता है, या लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड की हमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, या और जो क्वालिटी फीड है उसमें भी हमें कम अमाउंट में रिलाय करना पड़ता है। फिर आता है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस है जिसमें फाउल्स का जो है उनकी पैदावार करी जाती है, उनको बढ़ाया जाता है ताकि एग प्रोडक्शन और चिकन मीट हमें मिल सके। फाउल्स का इस्तेमाल किया जाता है एग प्रोडक्शन के लिए और ब्रॉयलर्स का मीट के लिए। क्रॉस ब्रीडिंग जो है पोल्ट्री में कॉमन है ताकि नई वेराइटीज मिल सके जिनमें डिजायरेबल ट्रेड्स हों। जैसे इंडियन ब्रीड जो है असील, वो एक क्रॉस ब्रीड है फॉरेन ब्रीड लेगहॉर्न के साथ। क्रॉस ब्रीडिंग जो है इसीलिए करी जाती है तो जो ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हों उनमें उनकी डिजायरेबल क्वालिटीज हों। अब जैसे डिजायरेबल ट्रेड्स में क्या क्या आ जाते हैं, जो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स होते हैं उनको हम मीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। हाई नंबर और अच्छी क्वालिटी के चिक्स मिलते हैं और जो हाई टेम्परेचर की टॉलरेंस है गर्मी के दौरान वो भी काफी ज्यादा होती है। पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, अब उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, हाइजीनिक हाउसिंग कंडीशंस होनी चाहिए, एक प्रोटीन रिच डाइट जिसमें हाई लेवल्स विटामिन ए और के की हो वो प्रोवाइड करानी चाहिए, और पेस्ट और डिजीजेस के लिए प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। फिश फार्मिंग क्या होती है? फिश फार्मिंग को हम एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इसमें कमर्शियल पर्पस के लिए फिश की कल्चरिंग करी जाती है। फिश एक चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का। अब कितने तरह की फिशरी होती है? फिन फिशरी होती है और शेल फिशरी होती है। जो फिश प्रोडक्शन है उसमें फिन फिशरी भी होती है और शेल फिशरी भी। जो दो मेन स्पीशीज हैं फिन्ड ट्रू फिश की वो है कैटला और रोहू, और जो शेल फिश की है वो है प्रॉन्स और मोलस्क।
फिर दूसरा आता है हमारा कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। जो फिश को हम पकड़ते हैं कैप्चर करके, उनको जो है एक तरह से वो कहना चाहिए इकोनॉमिक सोर्स है मीट के लिए। कैप्चर फिशिंग में जो है फिश को कैप्चर किया जाता है सी वाटर से या फ्रेश वाटर से। कल्चरल फिशिंग जो है उसमें कल्चरिंग करी जाती है फिश की छोटे छोटे एनक्लोजर्स के अंदर। अब कैप्चर फिशिंग जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं मरीन फिशरी में और इनलैंड फिशरी में, डिपेंड करता है कि कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल किया गया है फिशिंग के लिए। कल्चर फिशरी जो होती है उसमें फिश को पाला जाता है स्मॉल स्ट्रक्चर्स में जैसे कि वेल्स। फिश फार्मिंग को जो है हम राइस फील्ड में भी कर सकते हैं जहां ग्रेन्स और फिश दोनों को हार्वेस्ट किया जा सकता है फार्म से, क्योंकि जो फीडिंग हैबिट्स होती है फिश की वो डिफर करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, इसलिए बहुत सारी वैरायटीज को जो है हम एक ही फार्म पे कर सकते हैं। कंपोजिट फिश फार्मिंग जो है वो अलग अलग वैरायटीज जो फिश की हैं उनकी रियरिंग को कहते हैं एक ही एरिया में। जैसे कि कंपोजिट फिश फार्मिंग इंक्लूड्स आपका कैटला आ गई, सरफेस फीडर्स आ गई, रोहू जो कि बिल्कुल पॉन्ड के मिडिल में फीड कर सकते हैं, मृगल, कॉमन क्रैब बॉटम फीडर्स होते हैं, और ग्रास क्रैब जो है वीड्स पे फीड करते हैं। एक तरह से बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज के लिए हम फिश की कंपोजिट फिश फार्मिंग को यूज कर सकते हैं। अब ये जो स्पीशीज हैं ये एक ही पॉन्ड के अंदर हो सकती हैं, इसी वजह से जो फिश की पैदावार है वो पॉन्ड से हम बढ़ा सकते हैं। फिर आती है हमारी मरीन फिशरी और इनलैंड फिशरी। मैरीकल्चर जो है कल्चर ऑफ फिश है मरीन वाटर में। इसमें क्या होता है मरीन फिशरी में फिशिंग होती है सॉल्ट वाटर इलाकों में। कुछ एग्जांपल्स जो मरीन फिश के वो पॉम्फ्रेट, ट्यूना और मैकेरल हैं। सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स की मदद से फिश को कैप्चर किया जाता है बहुत बड़े बड़े इलाकों में, ओपन सी में। वहां पे फिश को ढूंढने के लिए सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स की मदद ली जाती है। जो मरीन फिश होती है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है और इसी वजह से उनको सी वाटर में ही उनको फार्म किया जाता है। शेलफिश जैसे कि प्रॉन्स, मसल्स या ओयस्टर्स, इनको भी सी वाटर में ही फार्म किया जाता है। ओयस्टर्स को जो है कल्टीवेट इसलिए करते हैं ताकि उनसे पर्ल्स मिलते हैं। इनलैंड फिशरीज में आती है आपके फ्रेश वाटर कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, रिवर्स जहां से ये फिश पकड़ी जाती है। एस्टुअरीज जो है वो रीजन है जहाँ पे फ्रेश वाटर को सी वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ये भी एक तरह से रिच सोर्स है फिश का। अब जो फिश फार्मिंग है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स और एग्स की। फिश जो है वो पॉन्ड में ब्रीड करती हैं हार्मोनल स्टिमुलेशन के द्वारा। फिश को जो है इंजेक्ट किया जाता है हॉर्मोन्स ताकि वो जो है उनकी जो एग की या सीड की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। इससे क्या होता है प्योर फिश सीड की जो है सप्लाई हो जाती है एक डिजायर्ड क्वांटिटी में। अब अगर हम कैप्चर फिशरी, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर में फर्क करें तो क्या होगा। कैप्चर फिशरी में जो फिश हैं वो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज से पकड़ी जाती हैं। मैरीकल्चर में कल्चरिंग और हार्वेस्टिंग होती है फिन फिश की और शेल फिश की। एक्वाकल्चर में कल्चरिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है फिश की, प्रॉन्स की, क्रैब्स की। कैप्चर फिशरी में क्या है कोई भी सीडिंग या रेयरिंग नहीं जरूरत होती है। इस तरह की फिशिंग जो है मरीन और इनलैंड वाटर्स में करी जा सकती है। मैरीकल्चर में क्या होता है कि जो फिश सीड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिश को पाला जाता है। इसको खाली सी वाटर में ही कर सकते हैं, यानी फिशिंग जो होती है वो सिर्फ सी वाटर में ही हो सकती है। एक्वाकल्चर में क्या है कि जो फिश और बाकी ऑर्गेनिज्म है वो सीड और रियर करी जाते हैं। फिशिंग को आप फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में कर सकते हैं। अब आता है हमारा एपीकल्चर। जो बी हाइव्स होते हैं वो एक एनक्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि जो मधुमक्खियां हैं वो रहती हैं और अपने यंग वंस को बड़ा करती हैं। ये जो हनी बीज को मेंटेन करना है, उनकी कॉलोनीज को मेंटेन करना है बी हाइव्स के अंदर, उसे हम बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हैं। अपेरीज या बी फार्म्स इनको एस्टेब्लिश किया गया था खाली हनी जो होता है यानी शहद जो है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। बी कीपिंग जो है एक बहुत ही चीप और पॉपुलर एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज माना गया है। हनी जो कि बी हाइव्स में प्रोड्यूस होता है वो चाहे फूड हो या मेडिसिन हो उसके लिए शहद का एक मेन सोर्स है। जो टेस्ट और क्वालिटी है शहद की वो डिपेंड करती है कि कौन से फूल पे
या किस फूल से जो मधुमक्खी है उसने नेक्टर को कलेक्ट किया है। वैक्स जो हमें इन हाइव से मिलता है उसका इस्तेमाल ऑइंटमेंट पॉलिशेस उनमें किया जाता है। अब बीज कितने तरह की होती हैं? एपिस सेरेना इंडिका ये एक लोकल वैरायटी है बी की जो अवेलेबल है हनी प्रोडक्शन के लिए। एपिस डोर्सेटा एंड एपिस फ्लोरे ये दूसरी कॉमन वैरायटीज हैं जो कि हनी प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती हैं। एक इटालियन बी वैरायटी होती है एपिस मेलिफेरा, ये ज्यादातर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाती है। इस तरह की जो स्पीशीज की बीज हैं उनको बोला जाता है कि इनसे ज्यादा अमाउंट में हनी को कलेक्ट किया जाता है। तो बच्चों ये थी समरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।